लो गाइस, आज हम चलाने वाले हैं बेहतरीन कार लैंड रोवर डिफेंडर। फुल्ली मॉडिफाइड कार मैंने कराई है आज, ऑफ रोडिंग टायर लगवाए हैं इसके ऊपर और फुल्ली मॉडिफाइड है कार। कलर भी इसके अंदर थोड़ा महंगे वाला लगाया हुआ है फुल्ली। और ये देखो मैंने पहाड़ी पे चढ़ा रखी है, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई पहाड़ी पर चढ़ाते हो। और अब इसको उतारते हैं, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट कार लैंड रोवर यही आती है। और देख सकते हैं बिल्कुल आराम से गाड़ी उतर गई। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी मेरे को लगता है कम है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, बट ठीक है, अच्छी कार है। इंटीरियर का भी मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ, ऐसा इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा फैंसी इंटीरियर नहीं है, ऑफ रोडिंग कार है तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए बस। इंटीरियर तो इतना कोई मैटर नहीं करता ऑफ रोडिंग करने वालों के लिए, गाड़ी में दम होना चाहिए। और होप है हमारे टायर लगाने के बाद गाड़ी स्लिप ना मारे मिट्टी में, कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी तो रेत मिट्टी गीली हो गई अभी। और यहाँ से हेलीकॉप्टर बहुत आते जाते रहते हैं और हम इलीगल तरीके से हम यहाँ से अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के क्लाइंबिंग के लिए है और हम बिना परमिशन के यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट फिर भी हम निकाल पाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कार है हमारी, डुअल टोन फिनिश में है और एक कलर देखो कितना अच्छा लगा। मैंने दूसरे गियर में गाड़ी डाल रखी है और ये देखो आराम से चल रही है गाड़ी, कोई परेशानी नहीं हो रही गाड़ी को, स्मूथली चल रही है, ना लोड ले रही है गाड़ी। दूसरे गियर में इतने बढ़िया गाड़ी चल सकती है तो भाई यही वो बात। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे थोड़ी कम लगी इस कार की ऑफ रोडिंग के हिसाब से, कि जो मैंने फॉर्च्यूनर चलाई थी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। स्टेयरिंग व्हील पे मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ लॉजिटेक का, कैमरा मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि जो है मेरा कैमरा ख़राब है, तो इसलिए होप है कि मेरा कैमरा ठीक हो जाए तो मैं आपको स्टेयरिंग व्हील भी दिखाऊँगा पूरा अच्छे से। ये देख सकते हैं पेनारोमिक सनरूफ देते हैं, फुल ओपन हो जाती है सनरूफ, बट अभी ऑफ रोडिंग करना है मिट्टी के अंदर चल जाएगी फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। भाई साहब ये गेम GTA 5 है और ये 2013 में रिलीज हुई थी और आप देख सकते हैं मतलब 2013 में इतने अच्छे ग्राफिक्स इन्होंने दिए। देखो पहाड़ों में हम घूम रहे हैं तो देखो, और 2013 की गेम में इतने अच्छे ग्राफिक्स अब 2021 में भी गाड़ियाँ नहीं देख पाती हैं, गेम में इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं आते। और देख सकते हैं भाई मैंने अभी तक गियर ना छोटा किया है ना बड़ा किया है, मैं दूसरे गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल आराम से गाड़ी चल रही है। और रोड देख सकते हैं आप, ऊपर खाबड़ रोड है, गाड़ी में कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है, प्यार से गाड़ी चल रही है एकदम, और बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी और ऊँची हो जाती है ना तो फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम हो। और जैसे आपने देखा था मैंने स्टार्टिंग में स्लोप पे गाड़ी चढ़ाई थी रिवर्स करके और बिल्कुल आराम से गाड़ी चढ़ गई, कोई दिक्कत भी नहीं थी। आप देख सकते हैं इतना आराम से गाड़ी चल रही है और जंगलों का इलाका है तो शेर वेर भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे गाड़ी के अंदर हमको डर नहीं है बिल्कुल। और ये टूरिस्ट स्पॉट है, पूरा टूरिस्ट लोकेशन है, यहाँ पे लोग आते हैं रात को कैंपिंग करके खेलते हैं और हम यहाँ पुल के नीचे से निकल रहे हैं भाई, इतनी सारी है जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, जंगल है ये पूरा सुनसान जंगल है, यहाँ गाड़ियाँ लोग लाते ही नहीं हैं, बाइक ही लाते हैं और हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं, बस हमारी गाड़ी उनकी बाइकों से बहुत अच्छी है। ओ भाई आराम से आराम से, वो देखो बंदे को देखो भाई नीचे चला गया भाई पानी में डुबकी लगा दी, हिरणों से डर के भाई लोग भाग जाते हैं अच्छे से। और ये देखो अरे हट जाओ भाई रैबिट, रैबिट सड़क पर बैठे मर ना जाए कोई एनिमल एब्यूज हो जाएगा, कितनी आराम से गाड़ी चलती है भाई। ग्राफिक्स तो और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ग्राफिक्स हो रखे हैं इस कार के अंदर, मतलब इतने अच्छे ग्राफिक्स तो और अच्छे अच्छे गेमों में नहीं होते, अरे तो इतनी पुरानी गेम है। बस बस यहाँ से हमको राइट लेना है, ऑफ रोडिंग अब हमारी थोड़ी कम हो गई है, यहीं पर गाड़ी को अपना साइड में दबा के खड़ी कर देते हैं भाई। अच्छा है आपको वीडियो पसंद आई हो, ऑफ रोडिंग टेस्ट हमने इसका आज कराया, बढ़िया तरीके से गाड़ी निकली, कोई इसको परेशानी नहीं, आराम से गाड़ी चली है, तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।
वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब लाइक कर दो, वीडियो कमेंट कर डाल दे प्यारा सा। ओके बाय, थैंक।